ये तो नहीं पहन सकते और ये भी नहीं पहन सकते और ये तो डेफिनेटली नहीं पहन सकते, ये भी नहीं पहन सकते और ये भी नहीं पहन सकते। और शर्मा आंटी ने कहा था कि ये बहुत ही रिवीलिंग टॉप है बेटा, ये तो मत ही पहना करो, तो ये भी नहीं पहन सकते। अरे अरे थम जाइए, आई एम श्योर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं अपने अच्छे खासे कपड़ों को अपने सूटकेस से बेदखल क्यों कर रही हूँ, क्योंकि वो क्या है ना, इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, क्योंकि नो मैटर व्हाट इस देश में दो टॉपिक्स पर चर्चा कभी खत्म नहीं होगी, पहला पॉलिटिक्स और दूसरा आजकल की लड़कियों के कपड़े। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अगर लड़कियों को छोटे कपड़े पहनने से दिक्कत आती है तो ना ही पहना करे ना, क्यों नहीं समझती वो। हाँ, क्योंकि समझ और मादा तो सिर्फ एक औरत का ठेका है, बाकी सबने अपनी समझ तो स्पेयर कंपार्टमेंट में रखी है, जब जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे। किसी को हमारी स्कर्ट से दिक्कत है, किसी को हमारी बाजू एक्सपोजिंग टॉप से दिक्कत है और इन महाशय को हिजाब से दिक्कत है। एक्टर सना खान ने जब इंस्टाग्राम पर हिजाब में ये फोटो डाली तो एक ट्रोलियों ने ये बोला, इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा अगर सबकी तरह उन्हें भी पर्दे के अंदर ही रहना है। कोई कहता है पर्दे के अंदर रहो, तो कोई कहता है पर्दे के अंदर ना रहो। नहीं नहीं भाई, तुम ही बता दो कि हम पहने तो क्या पहने, क्योंकि औरतें तो फिगर आउट कर करके थक चुकी हैं। कंजर्वेटिवली ड्रेस करें तो हम मॉडर्न नहीं है, रिप जीन्स पहने तो हमारे मॉरल्स नहीं है। बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, बाबा के बगल में बैठी है, लेकिन मैं जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे। घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार है? अगर कपड़ों से हमारे संस्कार झलकते हैं तो जब गुप्ता जी और जुब्बन ने अपनी चार छेद वाली बनियान में राशन लेने निकलते हैं तो वो तो कतई संस्कारी नहीं लगते होंगे। अच्छा भाई लगते हैं, ओ सॉरी, हाँ वो तो मर्द है, सॉरी सॉरी। चलो ठीक है, काम करते हैं, आप ना एक लिस्ट बना लो, उसमें सारी डिटेल्स मेंशन कर देना, जैसे कि ड्रेस की लंबाई कितनी होनी चाहिए या फिर साड़ी के ब्लाउज का कट कैसा होना चाहिए, क्योंकि हमारी कंफ्यूजन कम हो जाएगी ना, हम भी नई नई चीजें सुन सुन कर थक गए हैं। 12th क्लास का सिलेबस थोड़ी हर महीने बदलता रहता है, आप भी हमारे कपड़ों का सिलेबस सेट कर दो, क्योंकि ये पैंडेमिक खत्म होने की संभावना भी ज्यादा है, पर औरतों के कपड़े, बॉडीज, करियर चॉइसेस, इस पर कमेंट्री तो कभी नहीं रुकने वाली। तो क्या हुआ अगर 40 डिग्री में हम पसीने से मर ही क्यों ना जाएं, हमारी शर्ट का एक भी एक्स्ट्रा बटन नहीं खुल सकता, क्योंकि अगर वो खुल गया तो हमें hey babes, wanna be my GF वाले मैसेजेस आने लग जाएंगे, और अगर उसी मैसेज का जवाब हमने नहीं दिया तो मर जा साली जैसा फॉलो अप मैसेज भी हमें आ ही जाएगा। 20 सेकंड में हम GF से साली बन जाते हैं। अब देखने वाले ये बोलेंगे कि सारे मर्द थोड़ी ना ऐसे होते हैं, माना सारे मर्द ऐसे नहीं होते, पर काफी मर्द ऐसे ही होते हैं, और नॉट ऑल मेन का लॉजिक कुछ ऐसा है। अगर आप सड़क को गंदा नहीं कर रहे इसका ये मतलब नहीं कि सड़क साफ है, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या है जो सड़क को लगातार सालों साल गंदा करे जा रही है, और सड़क आपके गंदा करने से साफ नहीं होगी, सड़क तब साफ होगी जब उसे कोई भी गंदा नहीं करेगा। हम अपने आप को ढके या ना ढके, हिजाब पहने या शॉर्ट्स पहने, ये हमारी चॉइस है, और चॉइस होना सबका राइट है। चार छेद बनियान वाली गुप्ता जी की भी, पल्लू करने वाली दादी की भी, और रिप जीन्स और गमबूट्स पहनने वाली लड़कियों की भी। तो लेडीज अगर आपको वो ये बोले कि ये पहनो और ये ना पहनो, उन्हें ये वीडियो दिखा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम कह के लेते हैं। मैं हूँ यज्ञा सचदेवा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अनकट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।